गाइज, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप यू ऑल आर वेल, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यूज, कमेंट्स एंड योर सजेशंस. सो वी हैव रीच्ड 300 सब्सक्राइबर्स, सो लेट्स टारगेट 500 सब्सक्राइबर्स नाउ. सो आज हम बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो करने वाले हैं कि हम अपनी गाड़ी का इंटीरियर रिव्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डोर. अगर हम डोर के पैनल पे देखें तो डोर पैनल इज़ वेरी हैवी. अगर आप इसके डोर की क्वालिटी की बात करें, इट्स वेरी हैवी. और यहाँ पे हमारे सारे ड्राइवर माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए, स्टार्टिंग विद द पावर विंडो इन द फ्रंट, पावर विंडो ऑन द बैक. और ये हमारा चाइल्ड लॉक का बटन है, ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन हैं यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं. सो व्हेन यू लॉक इट, यहाँ पे भी आपको एक लॉक का साइन दिखाई देता है ऑन द ड्राइवर डोर. उसके बाद यहाँ से अनलॉक, देन यू हैव दीज ORVMs कंट्रोल हेयर, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट कंट्रोल है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सेंटर नॉब है. इफ़ यू मूव दिस टू लेफ्ट, लेफ्ट के आप ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसको राइट साइड मूव करते हैं तो राइट के ORVM को यू कैन एडजस्ट. मैं आपको चला के भी दिखा सकता हूँ इसको. सो मैंने ये राइट में किया एंड व्हेन आई पुश इट, तो वो मेरे हिसाब से एडजस्ट होता है ऊपर नीचे, इनसाइड एंड आउटसाइड. उसके बाद अगर मैं बात करूँ डोर क्वालिटी की, सो लेट मी क्लोज द डोर फॉर यू. डिड यू हियर द थर्ड? बहुत तेज थर्ड आता है, सो इट शोज के वो एक बहुत सही क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया है, ऑल मेटल. और अगर यहाँ पे हम बात करें, ये डुअल टोन में आता है. वन इज द सॉफ्ट टच, जो हमारे आर्म रेस्ट के आसपास दे रखा है सॉफ्ट टच, एंड इट इज हैंड स्टिच. और उसके अलावा वी हैव हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे, और ये हमारा स्पीकर है. लेट्स मूव इनसाइड. ये मैंने गाड़ी आपके लिए ऑन करके दिखाई है. अगर आप देखेंगे बाहर गाड़ी की बहुत नॉइज़ थी, बट अंदर गाड़ी के अंदर नॉइज़ इतनी ज़्यादा नहीं है. सो नॉइज़ रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा है इसका. इन टर्म्स ऑफ द इंटीरियर्स, इंटीरियर्स लुक वेरी क्लासी. अगर हम यहाँ डैशबोर्ड की बात करें, सो दिस इज़ ऑल सॉफ्ट लेदर. आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का लेदर यूज़ किया गया है. ये हमारे भगवान जी, ये हमारा एयर फ्रेशनर जो हमें जीप से मिला था, और ये हमारा है सेंटर टच स्क्रीन. सो अगर हम इस टच स्क्रीन की बात करें, दिस इज़ 8 इंचज़ टच स्क्रीन, और इसमें यू गेट ऑल दी ऑप्शंस लाइक ब्लूटूथ, योर एंड्रॉयड, एप्पल कार प्ले, यू हैव दीज ब्लूटूथ कनेक्शन एंड ऑल दी कनेक्शन दैट यू कैन यूज़ फॉर म्यूज़िक. यू ऑल्सो हैव दी क्लाइमेट कंट्रोल हियर, सो इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ द कार, यू कैन पिकअप द ऑप्शंस हियर. और यहाँ पे आप इनको टच करके यू कैन चेंज दैम. सिमिलरली वी हैव गाड़ी के कंट्रोल्स, व्हीकल कंट्रोल्स. यहाँ पे हम अपनी सेटिंग्स को जाके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, चाहे वो हमारी प्रोफाइल सेटिंग हो. डिस्प्ले मोड को अगर आपको ऑटो करना है, तो इट विल चेंज योर ब्राइटनेस अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस आउटसाइड. मैंने इसको मैनुअल पे रखा हुआ है, बिकॉज कभी कभार इसकी ब्राइटनेस बहुत लो हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत होती है. देन यू ऑल्सो हैव डिस्प्ले ऑप्शंस हियर. Then you have safety and driving assistance, date and time change settings. Then you also have camera settings and light settings here. Similarly, यहाँ पे अगर हम अपने steering की बात करें, ये बहुत ही premium quality का steering है. यहाँ पे Jeep की badging के साथ आता है. You also have a airbag badging here, और इसमें इसका horn भी है. अगर हम horn quality की बात करें, horn quality is very good. यहाँ पे left side पे हमारे controls हैं, driver mounted controls, और इसमें we can change the display settings. अगर हमें speedometer लगाना है, so we can press the upper button, तो हमारा speedometer capture होगा. Similarly, we can change the other settings in the display of our car. और उसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ टैकोमीटर. अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, वी हैव अ टैकोमीटर ऑफ RPM. ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव अ स्पीडोमीटर, वो भी हमारा एनालॉग है. उसके अलावा वी हैव अ सेंटर डिस्प्ले, जो हमारी ये कंट्रोल्स के बेसिस पे चेंज होती है. अगर मैं आपको गाड़ी के ओवरऑल किलोमीटर्स की बात करूँ और उसकी एवरेज की बात करूँ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव ड्रिवन द व्हीकल, 640 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं. और उसमें मेरे को ओवरऑल एवरेज की अगर बात करूं गाड़ी की, तो अभी सिर्फ 8.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिल रही है. सो विच इज़ नॉट ग्रेट, बट मैंने
डीलरशिप से बात करी थी एंड दे सेड के कार विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर टू कम बैक टू दैट ओरिजिनल एवरेज ऑफ 10 टू 11 किलोमीटर। इसके अलावा राइट साइड पे यहाँ पे कोई भी कंट्रोल्स नहीं है ड्राइवर स्टीयरिंग पे, बिकॉज वो सब क्रूज कंट्रोल वगैरह ऑटोमेटिक मॉडल्स में। इसे हम फोन भी पिकअप और बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फोन पिकअप एंड कैंसिलेशन का भी ऑप्शन है ड्राइवर के लिए एंड यू ऑल्सो गेट स्पीकर्स। यहाँ पे अगर हम टॉप पे बात करें तो यू हैव दिस स्पीकर हेयर, देन यू हैव वन स्पीकर हेयर एंड वन हेयर फॉर द को ड्राइवर, जिससे कि अगर आपको किसी से भी फ़ोन पे बात करनी है तो आपकी वॉइस क्वालिटी ख़राब ना हो एंड यू कैन टॉक टू द पर्सन ईजिली। यहाँ पे हमें बात करें ड्राइवर साइड पे भी हमें एक मिरर दिया गया है और सिमिलरली को ड्राइवर साइड पे भी हमें एक मिरर दिया गया है। इसमें लाइटिंग नहीं है बट यस यू डू हैव दिस मिरर्स अवेलेबल फॉर यू। और ये सेंटर लाइटिंग कंट्रोल है, यहाँ पे हमारा रीडिंग लाइट्स हमें ऑन एंड ऑफ करने के लिए ऑप्शन है। देन यू ऑल्सो हैव ऑप्शन टू मेक इट ऑटो डोर के अकॉर्डिंग एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ऑफ इट कम्प्लीटली वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। यहाँ पे सेंटर में हमें मिल जाता है मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर मिरर सेंटर मिरर, और ये मैनुअली एडजस्टेड है और अगर इसको ऑटो डिमिंग करना होता तो वो ऑटो अपने आप नहीं होता, यू हैव दिस मैनुअल बटन। रात को अगर आप ड्राइव कर रहे हो और आपको इसका डिम करना है क्वालिटी तो आप इस बटन को नीचे प्रेस करेंगे एंड देन यू कैन यूज इट इन द नाइट। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे एसी की और इस पूरे डैशबोर्ड की, तो ये डैशबोर्ड की क्वालिटी इज़ वेरी गुड। यहाँ पे आप देखोगे कि सिल्वर लाइनिंग दी गई है जो बहुत प्रीमियम लगती है देखने के अंदर, और यहाँ पे फिर से वही डुअल टोन एक कॉन्सेप्ट जो इन्होंने यूज़ किया अक्रॉस विद इन दिस कार बहुत ही अच्छा लगता है। मैनुअली स्टिच्ड है, देन यू हैव योर एसी हेयर, यू कैन ऑन एंड ऑफ फ्रॉम दीज रोलर्स एंड सिमिलरली यू हैव एन एसी कंट्रोल इन द सेंटर विद योर वॉल्यूम कंट्रोल फॉर म्यूजिक एंड ऑटो ट्यूनर ऑन द राइट हैंड साइड। अगर सेंटर की बात करें दीज आर योर एसी कंट्रोल, ये सारे मैनुअल एसी कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे यू कैन इंक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज द टेम्परेचर, आपको रियर पे अगर हवा चाहिए तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं एंड यू हैव दिस सेंटर बटन टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पीड ऑफ योर एसी। और अब अगर मैं अपने सेंटर कंसोल की बात करूं तो आप इसको देख सकते हैं कितना प्रीमियम क्वालिटी का सेंटर कंसोल आपको दिया गया है विद योर पावर हैंड ब्रेक बटन एज इन द इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक बटन। और ये जो आपका गियर नॉब है ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का, इट इज़ वेरी 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 कम्फर्टेबल इन होल्डिंग। यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल जाता है, देन यू ऑल्सो हैव दिस यूएसबी पोर्ट अवेलेबल फॉर चार्जिंग। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी बटन्स नहीं दिए गए हैं, दीज आर द कप होल्डर्स यू गेट। देन यू ऑल्सो हैव अ स्पेस टू कीप योर फोन इनसाइड, देयर यू हैव योर ग्लव बॉक्स, दिस इज़ अ मूवेबल आर्मरेस्ट विद अ कूल ग्लव बॉक्स। और सबसे बढ़िया चीज़ इसकी जो लगती है, इसमें मेरा हाथ ऑलमोस्ट इतना डीप चला जाता है एंड इट इज़ अ कूल्ड ग्लव बॉक्स, सो इट इज़ वेरी गुड इन क्वालिटी, आई रियली लाइक इट एज अ फीचर ऑफ द कार। और अब हम अगर को ड्राइवर साइड की बात करें तो ज्योति विल एक्सप्लेन यू अबाउट द फीचर्स। सो व्हाट आई लाइक अबाउट को ड्राइवर सीट इज, एक फीचर जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिलते हैं गाड़ी लॉक और अनलॉक करने की, तो मतलब जो को ड्राइवर है वो सीट से लॉक और अनलॉक कर सकता है गाड़ी को, ठीक है। तो नेक्स्ट ये प्रीमियम फिनिश है इस तरफ, और यहाँ पे वेंट हैं एसी के जो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और कमिंग बैक टू ग्लव बॉक्स, ये इसका ग्लव बॉक्स है, स्पेस काफ़ी है, अभी हमने इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है और इसमें एक लाइट भी है, ये देख सकते हो आप, लाइट दिख रही होगी आपको। सो ये काफ़ी स्पेशियस है, ये ग्लव बॉक्स है और स्लोली ओपन होता है, फिर से दिखाती हूँ, ये देखो एकदम स्लोली ओपन होता है, ठीक है। और ये हमारे मैट्स हैं जो हमने एक्सेसरीज में उनसे ही लगवाए थे, ये 3D मैट्स हैं और इस पे जीप की बैजिंग हो रखी है, बहुत अच्छे मैट्स हैं। सॉरी गाइस, थोड़ी गाड़ी गंदी हो रखी है, ओके। और नेक्स्ट है हमारी ये सीट, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है वो मेरे ऑलमोस्ट नी तक आ रहा है सपोर्ट सीट का, तो ये बहुत कंफर्टेबल सीट है इसकी। और यहाँ पे इसके स्पीकर्स हैं, यहाँ पे ये स्पीकर है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है सामान रखने के लिए। और अगर मैं स्पीकर्स की बात करूँ तो इसमें हमारे एल्पाइन स्पीकर्स हमें मिलते हैं, जो हमें 4 स्पीकर एंड 2 ट्वीटर्स मिले थे इस गाड़ी के अंदर, तो 6 आर इनबिल्ट फ्रॉम द कंपनी साइड। और यहाँ पे हमें वाइपर कंट्रोल्स और लाइट कंट्रोल्स मिल जाते हैं,
रेन सेंसिंग नहीं है। हाँ रेन सेंसिंग नहीं है ये, ऑल ऑफ दीज आर मैनुअल इन द स्पोर्ट्स मॉडल। और इस तरफ हमें मिलते हैं अपने वाइपर कंट्रोल्स। सो अगर मेरे को वाइपर फ्रंट वाइपर यूज करना है तो मैं यहाँ से इसको यूज़ कर सकता हूँ। आई कैन इंक्रीज द स्पीड एंड डिक्रीज द स्पीड ऑल्सो। सिमिलरली पीछे का वाइपर यूज़ करने के लिए भी मेरे पास यहीं पे ड्राइवर साइड पे ही इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऑन द राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड पे इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टू यूज़ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। दो इट इज़ मैनुअल बट आई रियली लाइक दैट के उन्होंने राइट साइड पे उसको दिया है हमें। तो अब पीछे चले। या लेट्स गो बिहाइंड। और ये स्क्रीन कितने इंचेस है? 8.8 इंचेस की स्क्रीन मिलती है विद ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन को अगर आपको ऑफ करना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। यू कैन ऑफ इट एंड ऑन इट। देन यू ऑल्सो हैव अ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑप्शन जो अगर आपको ऑन करना है और ऑफ करना है यू हैव दैट बटन। दिस इज योर पार्किंग बटन। अगर आपने गाड़ी पार्क कर रखी है तो यू कैन प्रेस दिस और आपके चारों इंडिकेटर्स चलेंगे। देन यू हैव पार्किंग सेंसर का बटन ऑल्सो अगर आपको ऑफ करना है यू कैन गेट दैट। एंड यू हैव अ पैसेंजर एयरबैग ऑन एंड ऑफ बटन एज वेल इन द कार। सो ये मैंने पहली बार ये फीचर देखा है जो आपको मिलता है गाड़ी के अंदर एंड इट इज़ अ गुड ऑप्शन टू हैव इन द कार। सो पीछे की सीट पे हम बैठे हुए हैं अब और आप देख सकते हो कि इधर हमें रीडिंग लाइट्स मिली हैं। ये प्रेस करने से ऑन ऑफ भी होती हैं बट अभी हमने इसे ऑन कर रखा है इस फीचर्स को। तो ये रीडिंग लाइट है, इसमें आप कुछ टांग भी सकते हो इफ़ यू वॉन्ट एंड ये आप इसको पकड़ सकते हो। तो ये ऐसे ऑफ हो जाती हैं क्लिक करने पे। ओके ये इसका गेट है, ये नॉर्मल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। बट एक और थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इनके जो बटन्स हैं वो बहुत सॉफ्ट प्रेस हैं, मतलब आपको आवाज़ भी नहीं आएगी एज सच क्लिक करते वक्त जैसे नॉर्मली आती है। और पीछे की सीट्स कितनी कंफर्टेबल हैं। वेरी गुड क्वालिटी। आई थिंक जो कंफर्ट है बैक सीट का बहुत ही बढ़िया है। जो कुशन मिलता है आपको बिलो थाइज एंड ऑन द बैक इज़ वेरी गुड। सिमिलरली यू हैव दिस आर्मरेस्ट हेयर जो बहुत ही ब्रॉड है इन नेचर। और यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिलते हैं विद योर फोन होल्डर हेयर। और अगर आप दो लोग भी बैठे हैं पीछे एंड यू कीप योर आर्म हेयर आई थिंक यू हैव अ वेरी गुड लेग स्पेस इन द फ्रंट एज वेल एज हेड स्पेस ऑन द बैक, जो बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है आपको गाड़ी में, जो किसी किसी गाड़ी में ही मिलती है। एंड एट द सेम टाइम अगर को पैसेंजर भी आपका साथ में अपना आर्म रखता है तो यू विल नॉट टच, तो जो आपका पर्सनल स्पेस है वो एक मेंटेन रहता है, नोबडी ब्रीचेस दैट पर्सनल स्पेस। और अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं एंड आई टॉक अबाउट थ्री पीपल ऑन द बैक सीट आई थिंक हमारे साइज के तो इजीली वी कैन कम हियर एंड देयर विल बी नो इशू। कमिंग बैक टू द स्पेस, लेग स्पेस, हम पीछे की अगर बात करें पहली चीज़ थाई सपोर्ट पूरा है, सीट यहाँ आगे तक है मेरी नी तक। देन माई हाइट इज़ 5'9" और उसके अकॉर्डिंग यू कैन सी आई हैव दिस ड्राइवर सीट एडजस्टेड बिकॉज ऑफ माई हाइट, तो आई गेट इनफ स्पेस। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ स्पेस ऑन द बैक सीट। यहाँ पर आपके ए सी माउंटेड कंट्रोल्स हैं। ए सी आपको अगर पीछे पैसेंजर्स के लिए यू हैव अ सेपरेट रेयर वेंट एसीस। यहाँ पे यू गेट यूएसबी टू चार्ज योर फोन। देन यू ऑल्सो हैव अ 12 वॉट डीसी चार्जर फॉर योर लैपटॉप्स ऑन द बैक। ये अगर हम देखें तो हमारे फुट मैट्स पे वी ऑल हैव दिस जीप बैचिंग ऑल अक्रॉस क्योंकि हमने उन्हीं से लिया था। देन ये हमारी पार्सल ट्रे है। ये हमारी पार्सल ट्रे है जो हमने एक्सेसरीज में खरीदी थी। दिस वॉज अराउंड 8,000 रुपीज। ये हमने उन्हीं से ली है, उन्होंने हमें ये अटैच करके दी है विद वो आप देख पा रहे होगे पीछे ये अटैचमेंट है इसका। ओह सॉरी गाइस, मैं आपको एक्चुअली सीट के कंट्रोल से बताने ही भूल गया कि ड्राइवर सीट पे वी हैव दिस मैनुअल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। ये हमारा अपना बैक रेस्ट को आगे पीछे करने के लिए, बैक को पीछे करने के लिए, और दिस इज टू एडजस्ट योर हाइट। तो ये दोनों हमारे मैनुअल हैंडल्स दिए गए हैं जो हमें यूज़ करना है। और अगर हम सीट क्वालिटी की बात करें सो दिस इज़ नॉट अ लेदर फिनिश सीट, दिस इज़ अ फैब्रिक सीट दैट यू गेट इन द बेस मॉडल। सो स्पोर्ट्स मॉडल में हमारा यही आता है। सिमिलरली वी हैव दीज कंट्रोल्स फॉर LEDs, हमारी जो लैम्प्स हैं वो यहीं से ऑन होते हैं रात को व्हेन यू आर ड्राइविंग। देन यू ऑल्सो हैव दीज स्क्रोल बटन्स टू एडजस्ट योर लैम्प्स इन टर्म्स ऑफ योर रीच ऑन द रोड। तो अगर हम यहाँ पे इन हैंडल्स की बात करें जो ड्राइवर एडजस्टेबल हैंडल्स हैं, ये जो पहला हैंडल है छोटे वाला, दिस इज़ टू एडजस्ट योर बैक इन द फ्रंट एंड टूवर्ड्स द बैक ऑल्सो। तो मैं आपको दिखाऊँ, अगर ये थोड़ा हैवी है यूज़ करने के लिए, एंड सॉरी हमने ये पॉलीथीन्स नहीं हटाई है बिकॉज वी हैव अ न्यू कार सो वी वॉन्ट टू
मेंटेन इट्स सेरेनिटी. और इसकी अगर बात करें सो ये बड़ा हैंडल जो आप देख रहे हैं दिस इज़ टू एडजस्ट योर हाइट. सो व्हेन यू आर सिटिंग यू कैन एडजस्ट योर हाइट बाय लिफ्टिंग इट अप और वो आपकी हाइट को ऊपर नीचे एडजस्ट कर देगा. स्पोर्ट्स मॉडल में ये मैनुअल है. स्पोर्ट्स में दिस इज मैनुअल और इवन लॉन्गिट्यूड में भी ये मैनुअल आता है. अंटिल यू आर गोइंग फॉर अ लिमिटेड एंड एस और ओ ऑप्शन यू विल गेट दीज मैनुअल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स इन योर कार. सो आई थिंक दिस इज फॉर नाउ एंड लुक आउट फॉर द एक्सटीरियर वीडियो. इसके बाद विल मीट अगेन. थैंक यू. बाय बाय. सो ही हैज टू गो फॉर अ पार्टी. ही इज गोइंग फॉर अ पार्टी. सो ही विल बी ड्राइविंग ऑफ. सो गाइज दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फैमिली. प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल एंड हमें कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपकी कोई क्वेरीज हो और आपको वीडियो कैसा लगा. सो बाय फॉर नाउ.